वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशिया स्टाइल। कैसे हो सारे, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज फिर से एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। और बस आप वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट नज़ भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। और मैं बहुत जल्दी जल्दी में बोल रही हूँ वैसे ही, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा मूड सुबह से तो थोड़ा सेंटी था, अब थोड़ा बेटर है। तो आज मैंने जो करा था बाहर से कुछ खाने को, तो हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा मैक्स, मैं और बाबा जा रहे हैं। बाबा कह रहे थे कि साथ चल, तो पहले तो हम लोग ऑर्डर करने लगे थे, तो कॉल भी मिला ली, ऑर्डर भी सारी चीज़ें हो गई। बस फिर एकदम से मतलब मेरा मूड हुआ नहीं, मुझे बाहर जाना है। तो फिर मैंने बाबा को बोला कि मुझे बाहर साथ लेके चलो। तो पहले भी मैं मार्केट का कह रही थी बाबा को कि मार्केट ले चलो, तो मार्केट बाबा गए हैं तो मैं नहीं गई और मैं घर ही थी। तो अब मैंने बाबा को बोला, तो अब हम लोग जाने लगे हैं पिज़्ज़ा मैक्स, जो हमारे घर के पास की ब्रांच है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से हम लोग लेके आएंगे जंबो पिज़्ज़ा मेरे मम्मा और बाबा के लिए। तो बस फिर साथ बने रहो, स्टिल वॉच करो, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर व्लॉग आप लोग वॉच कर सको और हमारे साथ बने रह सको। तो अब मिलते हैं लोकेशन पर जाके। ऑर्डर देते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पिज़्ज़ा मैक्स और ऑर्डर भी कर दिया है। और मेरे साथ आज एक नमूना पीस आया है, मतलब वो नमूना पीस यहाँ बैठा है। और बस इसका दिल कर रहा था कि आज हमारे साथ जाए, तो ये भी घर पे बोर हो रही थी। आज हमारा मूड थोड़ा सेंटी सेंटी से था सुबह से, तो बस फिर इस वजह से हमने कहा चलो चलते हैं, इन्जॉय कर लेंगे थोड़ा। और अब ऑर्डर कर दिया है, अब जैसे ही मिलेगा फिर आप लोगों को दिखाएंगे। जंबो किया ऑर्डर, मैं और मम्मा और बाबा यहीं हैं, तो तीन लोग हैं, चौथा पीस ये कोई पता पक्का नहीं है कि क्या करती है। हेयर पुखी पुखी साड़ा खाएगी। और दो स्पेशल पर्सन्स को भी भूख लगी हुई थी और उन्होंने कहा हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। आज मैं आई उसके व्लॉग में बहुत टाइम बाद। और कभी कभी किसी जगह पे आना चाहिए, पर आना पड़ता है। बस हम घर बोर हो रहे थे, हमारा प्लान बना, हम आ गए। देख रहे होंगे हालत बहुत ख़राब है, ऐसे ही बस अबाया पहना और आ गए। आयशा तो फिर भी मेरे भी थोड़ी सही लग रही है, लेकिन मेरा तो वैसे ही वेदर के हिसाब से ना बेड़ा गर्क हुआ है। सही, हर इंसान का हुआ गर्क, बेड़ा गर्क हुआ है हमारा, बेड़ा गर्क। कुछ लोगों का तो वैसे ही शक्ल पे लानत पड़ गई, कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों के चेहरों पे लानत पड़ गई है। तो अब मैं क्यों ब्लर आ रही थी पता नहीं, हाँ आप सही हो गई हूँ। और बाबा बाहर है, तो बस हमारी गपशप थोड़ी शप क्लोज करते हैं, क्योंकि और लोग डिस्टर्ब ना हो हमारी वजह से, हमारे ब्लॉग की वजह से। हाँ तो इसलिए ना, अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो कुछ भी होगा साथ में रहना, स्टिल वॉच करना और देखते रहना। सो फाइनली ये है हमारा पिज़्ज़ा और हम घर पहुंच चुके हैं और अब खाते हैं जंबो पिज़्ज़ा। और जिस जिसने खाना आ जाए स्पेशल हमारा, क्यों ना अच्छा होया, तेरा मुंह भी अच्छा नहीं है। ये वैसे इन कपड़ों में थी और वहाँ पे उबाय में थी। और मम्मा और ये भी आ गई है भुक्कड़, इसे तो पहले भूख लगी होती पिज़्ज़े के नाम पर। और मैं आते सारी सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धोया, क्योंकि घर आते ही आपको फ्रेश होना चाहिए,
तो वही मैंने किया है और अब मम्मा ले रही है अपना पीस और टिकटॉक सेंड कर दो। अच्छा ए पहला खा ले फिर जा गरम गरम खा, एक खा ए ए आया नहीं नहीं तो ये देशारे में को सारे लको। सो अब हम खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा है। मैं सॉस वगैरह कोई भी यूज़ नहीं करती, बिना सॉसेस के खाती हूँ मैं। बफा होगा तू। और अब हम रिव्यू देते हैं। अगर ये पिज़्ज़ा वैसे पिज़्ज़ा नहीं अच्छा होगा ना तो बाय गॉड वहाँ पे जाके कोई भी नहीं खाए। वहाँ की सर्विस वैसे भी अच्छी नहीं है, जोर से मारते हैं जो कस्टमर होते हैं। पिज्जा इतना मजे का नहीं है इस दफा का, बाकी नहीं है मजेदार। बाकी इस दफा का मेरे को भी नहीं मजा आया। और अब ना किसी ने तो मुझे ना पर्सनल बोलना कि तेरे को कुछ भी पसंद नहीं आता, पर मैं क्या करूं कि जो सच होता है मैं वही बोलती हूं। इस दफा का पिज्जा नहीं मजे का और इसे तो मजा आ रहा है। चलो इसको बस खाना चाहिए इसे। हाँ इसे तो बस अभी हाँ ले ले। और ये मेरे बच्चे आएगी ना लीजा तो वो भी खाएगी, और लीजा के लिए भी है। और जैक को यहाँ पे देखो, जैक को भी चाहिए। जैक को रोटी मिल भी गई है, जैक को पिज्ज़ा भी चाहिए। तो अब हम खाते हैं फिर मिलते हैं। सो आज तुबा ने भी बनाए थे मैक्रोनी एंड स्पेगेटी मिक्स करके, तो मैंने पहले खा लिए थे, अब ये खा रही है और ये पिज़्ज़ा नहीं खा रही थी। सो कैसे बने थे मम्मा ने, कैसे बनाए थे? अच्छे थे। मेरे को तो मिर्ची लग रही थी, पता नहीं क्यों। मुझे भी तो मिर्ची लग रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी। और हाँ पिज़्ज़ा तो बस सही है, पर इस दफ़ा हार्ड ज़्यादा मतलब मज़े की इन लोगों ने टॉपिंग नहीं की हुई। और ये थोड़ा सा सीन हो रहा है, और वो किस वजह से हुआ है वो मुझे समझ आ गई है सारी बात। बाकी खैर है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब मैं जाऊँगी तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मैं तारिक रोड ही जाऊँगी लेने। और यहाँ जैक बहुत खुश है। जैक को ना जुई हो गई थी और जैक का भी सही हो गया, शुक्र है। और हमारा घर भी सही हो गया इसकी वजह से। तो बस आज खाने का व्लॉग हमारे साथ है। हम सुबह से दूसरे हैं। हाँ वैसे मैंने सबसे पहले आलू बुखारा खाया, आलू बुखारा खाया मैंने। और इसके बाद मैंने मैक्रोनीस खाया और अब मैंने पिज्ज़ा खाया है। और अब लाइट चले गई है, 11 बजे में 15 मिनट है और 12 बजे लाइट आएगी। तो बस साथ बने रहना, जो कुछ भी करेंगे साथ साथ ही खाते रहेंगे। तो कंटिन्यू करूँगी व्लॉग ताकि कंटिन्यू होता ही रहे। और ये इसे बड़ी उलझन हो रही है उससे। खैर आज हम लोग ड्रामा नहीं देखेंगे। और ये मेरे बालों को किस तरह से पकड़ रही है ये देखो। तो आज ड्रामा नहीं देखेंगे, देखना नहीं है नया एपिसोड। तो हम लोग कल से ना मतलब एक ड्रामा देख रहे हैं तुर्की का, पर मैं वो ड्रामा मतलब बहुत शौक से देखती हूँ और वो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल है उसकी वीडियोस। तो मैं ना मतलब वो ड्रामा कल देख रही थी और मेरे साथ मम्मा भी देख रही थी, तो उसके 4 एपिसोड्स हम लोगों ने एक साथ देखे। मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ, दो दो तीन तीन हफ्ते के एपिसोड्स जब हो जाते हैं मैं तब कंटिन्यूसली साथ साथ देखती हूँ, फिर मुझे मज़ा आता है। मैं एक्साइटमेंट वाले ड्रामा नहीं देख पाती कि अभी क्या होगा। जब मुझे ये चीज़ होती है तो मैं साथ साथ ड्रामा देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। और इसके बाद पाकिस्तानी तेरे बिन बेहद ज़बरदस्त ड्रामा जा रहा है और वो भी मुझे बड़ा पसंद है पाकिस्तानी। तो हाँ ये देखो गाना गा दिया इसने।
तो पापा यहाँ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और रेसलिंग देख रहे हैं। तो अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब मैं थक गई हूँ बातें कर कर के आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट डे हो चुका है और हो रही है कराची में मज़े वाली बारिश। और मज़े वाली बारिश तो है ही, पर इस बारिश में कहा गया है कि ये तो पानी बारिश है। तो ना अब पहले तो ये आप सिचुएशन देखो कि ये इस तरह से है। और हम लोग ऊपर गए थे, मतलब मैं भाभी की वजह से ऊपर आई थी कि भाभी ने धोए थे कपड़े और भाभी के सारे कपड़े गीले हो गए थे। भाभी की वजह से मेरे भी सारे कपड़े गीले हो गए थे। और अब मैं लेके आई हूँ दुपट्टा और फोन ताकि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग भी कंटिन्यू कर सकूँ। और मौसम बड़ा ही प्यारा बन चुका है और ये है कि अभी गर्मी और ज़्यादा होगी मज़ीद। ये मजनू ऐसे गीला हो रहा है, अपनी माँ की हेल्प नहीं करवा रहा था, कपड़े नहीं उतार रहा था और बस बात करने में लगा था। अपना फ़ोन इसने देखो कैसे कवर किया शॉपर में। अल्लाह मैं इसे गुस्सा करती जा रही, मैं इसकी बुक्कों मैं इसे गुस्सा करती जा रही। यार तू कपड़े उतार, तू गाल कर रहे है। नहीं बाबा मजनू ऐसे ही होते हैं। आज पता चला मुझे कि क्रेजी बन क्या होता है, पर ऐसे भी नहीं होना चाहिए। और ये आइए नहाने के लिए यहाँ। बारिश हो गई, मैं तो फिर से बारिश होने लगी, हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी या पता नहीं क्या होगा। पर बस हम लोग दुआ करके नाश्ता करने लगे थे और मैंने क्लाइंट को कॉल कर दी थी कि आप आ जाना। तो अब देखो क्या होता है। अच्छे हल्की हल्की धूप, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। भाभी बूंदाबांदी हो रही है ना, अगे मगर प्रेशर आ जाए। तो बस अब देखते हैं क्या होता है। बाकी फ़िलहाल दुआ करके नाश्ता करेंगे और क्लाइंट आती है या नहीं ये कुछ नहीं पता। और यहाँ भाई मुझे देख रहे हैं और यहाँ ये लोग अब ना कर रहे हैं, अपने अपने घर की चीज़ें सही कर रहे हैं। यही चीज़ मैं कहती हूँ कि जिनके घर पक्के नहीं है, मजबूत नहीं है असली। यहाँ हमारी चाय भी रेडी हो गई। असली प्रॉब्लम तो उन घरों के लिए है, पर जो घर मतलब सेफ्ट हैं, जिन घरों में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनके लिए बारिश हो, तूफान आए, आंधी आए, कोई मसला नहीं होता। अब मैं अंदर से दूध ले आऊँ और दूध डालना है चाय में। चाय हो गई है हमारी। तो अब बस हम पहले करेंगे दुआ, फिर मिलेंगे उसके बाद आप लोगों के साथ ब्रेक के बाद। तो साथ शुरुआत करना नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन प्रेस कर देना। अब करने लगी हूँ अपनी क्लाइंट का काम। तब मिलते हैं फौरन ही फौरन नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ। साथ में ना स्टे वॉच करना वो भी व्लॉग, और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा व्लॉग होने वाला है, इंफॉर्मेशन वाला। तो जो कोई भी होम सर्विसेज अपनी खुद करना चाहता है वो उन चीज़ों को देख के कर सकता है। सो क्लाइंट हमारे पास है, हम लेट नहीं करेंगे, काम जल्दी से फिनिश करेंगे क्योंकि इस काम में थोड़ा टाइम लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।